बालक का जन्म हुआ अश्वन बहुत कहे जन्म हुआ तो अश्वन बहुत भाई। लेकिन महाराज अग्रसेन ने फिर भी सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है आज के बाद निर्वंशिया नाम तो खत्म हुआ, बधाई बची। उस बच्चे का नाम पड़ा कंस। ये कंस जो था धीरे धीरे कुछ सयाना हुआ, समझदार हुआ, तो बचपन से ही अत्याचार करने लगा। बचपन से ही बच्चों के साथ खेलने जाता, किसी को यमुना में धकेल देता है, किसी को कुएं में डाल देता है, कोई बहाना नहीं चलता। बोले भैया क्या खा करके आया? बोले खीर। बोले ऐसे थोड़ी मानेंगे? बोले कैसे मानोगे? बोले अगर खीर खाई होगी तुम्हारी जीभ मीठी होगी, जीभ निकालो। भोला भाला बालक नहीं समझ पाया, जीभ निकाली तो कंस ने जीभ ही काट ली। बहुत अत्याचार। एक दिन गोकुल की कुछ गोपियां दही लेके जा रही थी, कंस ने रास्ता में मारा पीटा, बड़ा बेइज्जती की उनके पिताजी। उग्रसेन के दरबार में आए, बोले सुनिए महाराज, जब भला आप ही लोग ऐसा करोगे तो हम कहां जाएंगे? उग्रसेन बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारा जो बेटा है बहुत ही अत्याचार मचाता है, बहुत ही अत्याचार। उग्रसेन ने कंस को बुलवाया, सुनो बेटा कंस, तुम्हें ये पता है राजा और प्रजा में अंतर रिश्ता कौन सा होता है? बोले कौन सा? बोले जैसे शेर और पनी। शेर अगर गुस्सा में आके जंगल को उजाड़ देगा तो शरीर कहां छिपाएगा, और शेर की बह की वजह से लोग जंगल को काटने नहीं जाते। भला तुम ही लोग ऐसा करोगे तो ये लोग कहां जाएंगे? कंस कहने लगा पिताजी ऐसा लगता है, ऐसा लगता तुम तो बूढ़े हो चुके लेकिन तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो चुकी। हमें तो ये लगता है राज करने लायक तुम्हारी उम्र रही नहीं। साथियों आज के बाद अगर मथुरा के राजा हम बने तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। अरे बोलो, आज के बाद अगर हम मथुरा के राजा बने कैसा रहेगा? कंस के साथी कहने लगे महाराज बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा।